So before you heat up anything or start the engine, just loosen out the oil filter by your hand because it was already hand tightened, and also the drain bolt of the car before the engine gets hot, because एक बार गर्म हो जाएगा फिर उसको टच करने में हमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए पहले ही उसको लूज कर लीजिए। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल, एंड टुडे आई एम बैक विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत सिंपल सा DIY है, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। आज हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं ऑल्टो 800 का इंजन ऑयल। दिस प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कॉमन फॉर ऑल द कार्स, क्योंकि लगभग सारे गाड़ियों का जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही होता है। बस ड्रेन प्लग आपको लोकेट करना है, ऑयल फिल्टर लोकेट करना है, और बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, वी फर्स्ट ड्राइव द कार अराउंड टू वार्म अप द इंजन ऑयल, ताकि जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाए, और फिर हम लोग शुरू करेंगे ड्रेन बोल्ट रिमूवल से। सो वी स्टार्ट रिमूविंग द ड्रेन बोल्ट। आई हैड ऑलरेडी लूजन्ड इट आउट, सो नाउ यू कैन सी आई कैन जस्ट लूज इट आउट यूजिंग माय फिंगर्स। आई एम वेयरिंग अ ग्लव्स फॉर प्रोटेक्शन बिकॉज इंजन ऑयल व्हेन हीटेड कैन एक्चुअली बर्न योर स्किन। ध्यान रखिए, गर्म इंजन ऑयल हाथ पे लगेगा तो जल सकता है आपका स्किन, इसलिए हमेशा ग्लव्स यूज कीजिए। सर्जिकल ग्लव्स वर्क्स फाइन, इंडस्ट्रियल ग्लव्स इज इवन बेटर। एक बार ड्रेन हो जाए ऑयल ड्रेन प्लग से, उसके बाद हम निकालेंगे ऑयल फिल्टर। सो राइट नाउ आई एम रिमूविंग द ऑयल फिल्टर, लूजन इट आउट अ लिटिल बिट एंड देन लेट द ऑयल फ्लो आउट। आफ्टर दैट यू कैन कम्प्लीटली रिमूव इट। इट जस्ट वर्क्स द सेम वे, एंटी क्लॉकवाइज द फिल्टर कम्स आउट एंड क्लॉकवाइज यू टाइटन द फिल्टर। सो इट्स अ रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस, यू लेट द ऑयल ड्रिप आउट एंड देन यू रिमूव द ऑयल फिल्टर। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऑयल फिल्टर को निकाल लेना है, थोड़ा सा ऑयल उसके बाद भी बाहर आएगा क्योंकि ऑयल विस्कस होता है और बाहर आने में टाइम लगता है। सो पेशेंस रखिए, सारा ऑयल बाहर आ जाने दीजिए। ऑलराइट, सो आई जस्ट क्लीन द ड्रेन प्लग यूजिंग सम ब्रेक क्लीन, व्हिच इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेप। आई ऑल्सो वाइप्ड ऑफ द ड्रिपिंग ऑयल, द ओल्ड इंजन ऑयल। दीज आर नॉट मैंडेटरी स्टेप्स, आई एम जस्ट डूइंग दैट टू कीप थिंग्स क्लीन। और मैंने लगा दिया वापस ड्रेन प्लग। फर्स्ट आई हैंड टाइटन दैट एंड देन आई यूज द रेंच टू टाइटन इट और टॉर्क इट। सो पहले हाथ से लगा लेना है और फिर रेंच के यूज से उसको टाइटन अप करना है। I don't have a torque spec for this, neither do I have a torque wrench. So I just tightened it with my own hands from my prior experience. So andaze se maine tight kar liya. Before you fix in the new oil filter ko oil se fill kar lena hai, kyunki hamara jo oil filter hai wo vertically baithta hai, to is par aap oil bhar lijiye aur uska jo side wala jo gasket hai rubber ka uske upar bhi engine oil laga lijiye. This is a step that is better to be done, kyunki isse hota ye hai ki bahut jaldi se oil jo flow hota hai वो फिल्टर के थ्रू हो जाता है, टाइम नहीं लगता। ऑलवेज रिमेंबर द मैक्सिमम डैमेज दैट द इंजन इनकर्स इज ड्यूरिंग द फेज वेयर देयर इज नो इंजन ऑयल एंड द इंजन इज रनिंग। सो जितना इसको हम मिनिमाइज करें उतना ही बेटर है। अगेन आई जस्ट क्लीन एवरीथिंग यूजिंग द ब्रेक क्लीन जस्ट टू कीप द एरिया क्लीन। मेनी ऑफ यू माइट आर्ग्यू ऑन दिस दैट यू शुड नॉट हैंड टाइटन एन ऑयल फिल्टर और रिमूव इट विद हैंड, but I have seen and I've learned from experience that hand tightening the oil filter is good enough. You don't need to use wrench and all to tighten up the oil filter. कोई ज़रूरत नहीं है रेंच से टाइट करने का, हाथ से टाइट कीजिए बहुत है। Okay, so I just cleaned up my funnel and used that to fill up the engine oil. So engine oil fill करते time एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोग overfill ना कर दे या underfill ना कर दे। So bottle जो होता है engine oil का उस पर marking रहता है, उसको देखते हुए हम लोग भरेंगे। And always refer to your dipstick. Dipstick को check करके देखिए कि सही level आया या नहीं आया। कैसे एग्जैक्टली चेक करते हैं वो आपकी यूजर मैनुअल में दिया होगा। रेफर टू द यूजर मैनुअल एंड चेक द ऑयल लेवल्स करेक्टली एंड फिल अकॉर्डिंगली। ऑल दिस बॉटल्स आर 3.5 लीटर्स, ऑल्टो बेली नीड्स 2.9 टू 3 लीटर्स, सो यू हैव एनफ ऑयल टू फिल इट अप एंड यू विल स्टिल बी लेफ्ट विद सम। बट ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट एम्प्टी द बॉटल ऑन टू द इंजन बिकॉज ऑयल को बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। इट माइट टेक अ कपल ऑफ अटेम्प्ट्स टू गेट द इंजन ऑयल लेवल राइट। हाथ में टाइम लेकर आराम से भरिए जब तक कि करेक्ट लेवल ना आ जाए। ओवरफिल नहीं करना है और अंडरफिल भी नहीं रहना चाहिए। बोथ ओवरफिलिंग एंड अंडरफिलिंग डज द सेम अमाउंट ऑफ डैमेज, ये बात ध्यान रखिए। वंस यू आर डन, टेक द कार आउट फॉर अ ड्राइव एंड यू शुड बी गुड। जस्ट चेक फॉर एनी ऑयल लीकेजेस अंडर द कार। इफ यू वॉच टिल हियर, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। If you are new to the channel, do consider subscribing, और अगर subscribe कर रखा है तो एक छोटा सा comment कर दीजिए। Thanks again for watching. Have a nice day.